इसको कहते हैं वेलकम। जब चैंपियंस घर आते हैं तो यही वेलकम वो चाहते होते हैं जो वेलकम उनको मिला। 11 साल बाद हाफिज, अगर एक मुल्क जो है वो आईसीसी इवेंट जीता है एंड देन व्हाई नॉट, जिस तरह जीता है, एक एक अनबीटेबल टीम जो कि फाइनल जीती है, तो सेलिब्रेट करना बिल्कुल बनता है। दिलकश नजारे हैं और इंडियन लोग, आज 3 दिन हो गया वर्ल्ड कप खत्म हुए को, लेकिन उनकी खुशी है कि फूले नहीं समा रही। पहली बात तो यह है कि काश जो है ये खुशी हम भी देखते और हम भी जाते पाकिस्तानी टीम को इस तरह से रिसीव करने, लेकिन चले कोई बात नहीं, इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है और इंडिया की भी हमें उतनी ही खुशी है जितनी हमें अगर पाकिस्तान जीता तो होती। अभी ये शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं हुआ भाई साहब, अभी कुछ नहीं हुआ। असल तो आप जिस तरह कहते हैं तूफान देखेंगे मरीन ड्राइव के ऊपर, जहाँ पे रोहित शर्मा का आपने ट्वीट देखा होगा, 5 बजे उन्होंने सबको बुलाया और ये चीज बताती है कि इंडिया ने कितनी मेहनत की है और आवाम की खुशी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट में बड़ी सख्त सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया, क्योंकि जाहिर है इतने सालों के बाद जो है उनके यहाँ खुशी आई है। प्रोटोकॉल इंडियन टीम को मिलना है ना इंडिया के बीच में, आप यकीन करें इंडिया की आवाम बड़ी बेसब्री से इंतजार करी, क्योंकि ये लेट हो गया, इन्होंने तो वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन से या उससे अगले दिन पहुंच जाना था। 11 बजे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करेंगे और उनके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जो है प्लान ये है कि भारत की टीम जो है वो मुंबई आएंगे और मुंबई में एक ओपन टॉप परेड होगा जिस तरह से 2007 में हुआ था, और उस और वो जो परेड होगा वो सीधे नरीमन पॉइंट्स होगा जो मुंबई का एकदम आखिरी कोना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है इनसे अपील भी करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने वो एक मुसलमान मोहम्मद शामी के नाम पे आपने एक स्टेडियम बनवाया और एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है भाई, ये तो आपको ट्रॉफी लेके दे दी ना, चैंपियन बना दिया आपको, तो इनके ऊपर भी जो है ना कुछ स्टेडियम बनना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये 1 लाख के करीब लोग होंगे, वरना अगर 1 लाख नहीं हुए तो 50-60 हजार वहां पर होंगे रिसीव करने, ये उससे ज्यादा होंगे जितने, मुझे लग रहा है रात से ही सेलिब्रेशन है, कोई सो नहीं पाएगा, उसके बाद ये होती जाएगी, सुबह ये प्राइम मिनिस्टर के पास भी सेलिब्रेट करते करते पहुंचेंगे। जब उन्होंने इंडिया में कदम रखना है ना, ये 2011 का और 2007 का ये रिकॉर्ड टूट जाना है, उससे भी बड़ा आपको लगता है कि विराट कोहली को पैसों की जरूरत है? आपको लगता है कि रोहित शर्मा को पैसों की जरूरत है? इनके पास तो पहले ऑलरेडी बहुत बड़े पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे। इंडियन टीम जो है वर्ल्ड कप विन करने के बाद दोबारा से 140 करोड़ आवाम से वार्मली वेलकम रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है। अगर रोहित शर्मा ने आज अपने ट्विटर के ऊपर जो पोस्ट किया उसमें तो साफ लग रहा है कि यार उसने हमें सुना है कहीं पे या फिर उसको काम में आया कहीं ना, किस्म का कोई अवार्ड मिलना चाहिए जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा खेलों का अवार्ड होना चाहिए कि इन्हें इस किस्म का अवार्ड मिलना चाहिए। मेरा दिल मेरे ख्याल से उसे जो खेलों का इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड है उसे अर्जुना अवार्ड कहते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद फाइनली भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और जिस तरह से इनका एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। वहीं आपको बता दें कि इनका अगला कार्यक्रम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 11 बजे मतलब नाश्ते पर होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन दिखाया है इस T20 वर्ल्ड कप में, इनका इस तरह से स्वागत बनता है। और आपको बता दें कि शाम 5 बजे मुंबई में मरीन ड्राइव के आसपास, वानखेड़े स्टेडियम के आसपास इनका रोड शो होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था हमने, उस समय कितना बड़ा भव्य स्वागत हुआ था, उससे कई गुना बड़ा इस बार भव्य स्वागत इन खिलाड़ियों का होगा। तो कहते हैं वेलकम। जब चैंपियंस घर आते हैं तो यही वेलकम वो चाहते होते हैं जो वेलकम उनको मिला। भाई साहब कुछ ही क्लिप्स देखे लेकिन जितने भी क्लिप्स देखे मजा आ गया कि जिस तरीके से इंडियन टीम जिसको कहते हैं ना अपने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर आई है। और अभी ये शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं हुआ भाई साहब, अभी कुछ नहीं हुआ। असल तो आप जिसको कहते हैं तूफान देखेंगे मरीन ड्राइव के ऊपर, जहां पे रोहित शर्मा का आपने ट्वीट देखा होगा, 5 बजे उन्होंने सबको बुलाया है फैंस को, जो उन्होंने रोड के ऊपर वॉक करनी है, बस के ऊपर बैठ के ट्रॉफी को लेके वानखेड़े के स्टेडियम तक उन्होंने जाना है, जो वो परेड होनी है उसके अंदर आपको असल शो देखने को मिलेगा, फिर मुंबई के स्टेडियम वानखेड़े के अंदर सेलिब्रेशन भी होनी है। तो ये तो स्टार्ट था, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था यकीन करें इसी स्टार्ट की, ये और अच्छा होता अगर इंडियन टीम दोपहर के टाइम में आती या रात के टाइम में आती, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, लोग उतनी तादाद में नहीं थे लेकिन जितने भी थे बहुत ज्यादा थे, इंजॉयमेंट देखने को मिली और अच्छा साइन है। इंडियन टीम फाइनली जिसको कहते हैं ना अपने घर के अंदर आ गए, मुबारकबाद हो इंडियन टीम को, बड़ा अच्छा से कहते हैं साइन देखने को मिले। लेकिन सबसे मजे की चीज जो होगी वो होगी थोड़ी देर के बाद जब इनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद इन्होंने रवाना होना है मुंबई के लिए, वहां से परेड शुरू होगी, वानखेड़े के स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेशन होगी, तो बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। दिलकश नजारे हैं और इंडियन लोग, आज 3 दिन हो गया वर्ल्ड कप खत्म हुए को, लेकिन उनकी खुशी है कि फूले नहीं समा रही। पहली बात तो यह है कि काश जो है ये खुशी हम भी देखते
देखते हैं और हम भी जाते हैं पाकिस्तानी टीम को इस तरह से रिसीव करने, लेकिन चले कोई बात नहीं, इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है और इंडिया की भी हमें उतनी ही खुशी है जितनी हमें अगर पाकिस्तान जीता तो होती। तो कंग्रेचुलेशन टू इंडिया। आई एम स्टिल पिंचिंग माई सेल्फ कि यार ये वाकई में हो गया है। रोहित शर्मा ने जो इतने अरसे से मेहनत की, विराट कोहली ने जितने अरसे से मेहनत की, हार्दिक पांड्या की आंखों में जो आंसू थे वो बता रहे थे कि भाई वी हैव फाइनली अकम्पलिश्ड, वी हैव फाइनली डन इट, वी हैव फाइनली वॉन इट। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक टाइम था कि ओडीआई के वर्ल्ड कप के ऊपर इन्होंने पैर रखे थे और यही वो वर्ल्ड कप है T20 का वर्ल्ड कप जो इन्होंने जीता है। और ये लोग ऐसे हैं जैसे ये लोग जमीन पर पैर नहीं रखते, ये डायरेक्ट आसमान के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। तो वो कहते हैं ना मेरे पैर ने जमीन उतने लग गए, तो वो वाला हिसाब किया इंडिया ने। इंडिया सो हैप्पी और ये चीज बताती है कि इंडिया ने कितनी मेहनत की है। और आवाम की खुशी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट में बड़ी सख्त सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया, क्योंकि जाहिर है इतने सालों के बाद जो है उनके यहाँ एक खुशी आई है। लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं गम भरा भी रहा है, क्योंकि तीन वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर जो है अब इंटरनेशनल T20 टूर्नामेंट नहीं खेले। प्रोटोकॉल इंडियन टीम को मिलना है ना इंडिया के बीच में, आप यकीन करें इंडिया की आवाम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही, क्योंकि ये लेट हो गया, इन्होंने तो वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन से या उससे अगले दिन पहुंच जाना था, आज 3-4 दिन हो गए कि वो नहीं पहुंच सके, क्योंकि उधर समुद्री तूफान था उसकी वजह से, क्योंकि सेफ साइड भी बनानी होती है। तो अब जब उन्होंने इंडिया में कदम रखना है ना, ये 2011 का और 2007 का ये रिकॉर्ड टूट जाना है, उससे भी बड़ा आपको लगता है कि विराट कोहली को पैसों की जरूरत है? आपको लगता है कि रोहित शर्मा को पैसों की जरूरत है? इनके पास तो पहले ऑलरेडी बहुत बड़े पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे। इस किस्म का कोई अवार्ड मिलना चाहिए जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा खेलों का अवार्ड होना चाहिए, कि इन्हें इस किस्म का अवार्ड मिलना चाहिए। मेरा दिल मेरे ख्याल से उसे जो खेलों का इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड है उसे अर्जुना अवार्ड कहते हैं, अगर इससे भी कोई बड़ा या कुछ मैं नाम में करेक्शन नहीं है तो आप नीचे करेक्शन के बीच में न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की जो टाइम स्क्वायर जो उनकी सबसे महंगी तरीन एरिया, सबसे मशहूर तरीन एरिया ना टाइम स्क्वायर, उधर विराट कोहली की डमी मुजस्मा जो है ना वो रखा गया उस जगह पे। ये जब अमेरिकन जो सुपर पावर है जिसे दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है, वो विराट कोहली को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, तो क्या हिंदुस्तान अपना सबसे बड़ा अवार्ड नहीं दे सकते? नहीं, नहीं लगता कि वो क्रिकेट को प्रमोट करने का तरीका, क्रिकेट को प्रमोट करने की भी वजह है, तो चुना किसे है? चुना भी तो विराट कोहली को है जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है क्रिकेट की हिस्ट्री का। इस टाइम T20 का तो पापा बन के रिटायर हुआ है विराट कोहली। 11 साल बाद हाफिज, अगर एक मुल्क जो है वो ICC इवेंट जीता है एंड देन व्हाई नॉट, जिस तरह जीता है एक अनबीटेबल टीम जो कि फाइनल जीती है, तो सेलिब्रेट करना बिल्कुल बनता है। मोदी साहब जो है भी करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने वो एक मुसलमान मोहम्मद शामी के नाम पे आपने एक स्टेडियम बनवाया और एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो भाई ये तो आपको ट्रॉफी लेके दे दी ना, चैंपियन बना दिया आपको, तो इनके ऊपर भी जो है ना कोई स्टेडियम बनना चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम के इस भव्य स्वागत को लेकर काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि जिस तरह से हमने इस T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन दिखाया पूरी तरीके से अनबीटन रही टीम, और जिस तरह से फाइनल मुकाबला हमने साउथ अफ्रीका से जीता, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि हमने ये मुकाबला हार जाना है और हमारा ये T20 वर्ल्ड कप का सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन दिखाया सभी को हैरान कर दिया, और वो सूर्या का कैच वो कैच नहीं बल्कि एक ट्रॉफी थी जो हमें दिलवाई है। और आज भारतीय टीम बारबाडोस से मतलब सुबह 6 बजे के आसपास भारतीय टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची और उनका एयरपोर्ट पर इतना भव्य स्वागत हुआ जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट फैंस जाकर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का मतलब स्वागत कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देखकर मतलब बातें कर रही है कि एक खिलाड़ियों के लिए कितना प्राउड का मोमेंट है। वहीं आपको बता दें कि मतलब सुबह 11 बजे के आसपास भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर इन खिलाड़ियों का मतलब ब्रेकफास्ट रखा गया है, उसके बाद सभी खिलाड़ी मोदी से मिलने के बाद मतलब मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि शाम 5 बजे भारतीय खिलाड़ी मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम के बीच मतलब रोड शो करेंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा भव्य रोड शो होगा कि 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था उस समय ये सब मतलब रोड शो हुआ था। और आपको बता दें कि 2007 से कई गुना ज्यादा बेहतर इस बार रोड शो होगा, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी कि भारत ने कप कैसे उठा लिया। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से इन खिलाड़ियों ने इस T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन दिखाया है इनका इस तरह से स्वागत बनता है, क्योंकि हमारा दुनिया में परचम भारतीय तिरंगा लहराया है, और बारबाडोज में जिस तरह से रोहित शर्मा ने पिच पर झंडा गाड़ा था पूरी दुनिया उसको देखकर हैरान हो गई थी। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।